press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे आरजू काजमी और मौलाना साजिद रशीदी के बीच में हुई एक जबरदस्त डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ मौलाना साहब के, जो लोग इस्लाम में आए चले उनकी तो तादाद पता होती है, लेकिन जो बाहर निकल रहे हैं उसकी क्या वजह है? और वैसे तो जो लोग कहते हैं जो इस्लाम को छोड़ रहे होते हैं उनके लिए भी कह दिया जाता है कि जी इनका हम सर तन से जुदा कर देंगे, उनकी जान खतरे में पड़ जाती है, बेचारे मास्क लगा लगा के बैठे होते हैं, अपनी शक्लें छुपा रहे होते हैं। तो आखिर इस्लाम में ये चीज क्यों है कि अगर कोई दूसरा हमारे रिलीजन में आता है तो हम बड़ा वेलकम करते हैं, लेकिन अगर यहाँ से कोई जा रहा है तो उस बेचारे की जान खतरे में पड़ जाती है? कई लोगों को मैं देखती हूँ जो इवन यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, उन्होंने भी मास्क लगाया होता है, अपनी लोकेशन नहीं बता रहे होते, छुप कर बैठे होते हैं। क्यों हम उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं? अगर वो नहीं रहना चाहते तो उनको चले जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये क्यों है इस्लाम में कि आप छोड़ेंगे नहीं, सरतन से जुदा वाली स्टोरी शुरू हो जाती है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये उस जमाने की बातें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की। उस वक्त जब कोई आदमी इस्लाम में भी आता था तो उसको कैसी कैसी यातनाएं, कैसी कैसी सजाएं दी जाती थी, उसको गलियों में घसीटा जाता था, गर्म रेत पर लिटा दिया जाता था, आग के अंगारों पर लिटा दिया जाता था, ऊपर से पत्थर रख दिया जाता था, पता नहीं क्या क्या उनके साथ नहीं किया जाता था। ये सब कुछ उस वक्त में भी हुआ है, और आज भी जो आदमी मुसलमान हो जाता है तो उसके जो घर वाले हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी जायदाद में से उसको बेदखल कर देते हैं, और उसको तरह तरह से उसको भी सजाएं मिलती है, मारपिटाई भी होती है, यहाँ भी होता है आज भी। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जो जमहूरी मुल्क है, किसी को किसी के लिए सजा देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई आदमी मुसलमान से भी फिर जाता है, इस्लाम से भी फिर जाता है और वो मुर्तद हो जाता है तो हो जाए, यहाँ वो सजाएं नहीं है, क्योंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है। इस्लामी हुकूमत में मुर्तद की जो सजा है वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है तो इस्लामी हुकूमत होने की वजह से यहाँ किसी को सजा नहीं दी जा सकती, किसी को किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ये मेरा अपना मानना है, चूंकि हमारे हमारे देश का जो संविधान है वो इसकी कतई इजाजत नहीं देता। देश के संविधान में हर इंसान को आजादी है, वो किसी भी धर्म पर, किसी भी मजहब पर रह सकता है अपनी इच्छा अनुसार। इसलिए जो लोग किसी को धर्म से जाने पर यातनाएं देते हैं, तकलीफें देते हैं, मैं समझता हूं वो संविधान के खिलाफ हैं, वो मुल्क के खिलाफ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आजादी है। जब कुरान ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं उसको जबरदस्ती वापस लाने वाले, उसको जबरदस्ती दीन में लाने वाले? कुरान ने मना कर दिया उसको। तो जो लोग नहीं जानते या कुरान पर अमल नहीं करना चाहते या इस्लाम की शक्ल को दूसरों की नजर में गलत पेश करना चाहते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। नहीं तो इस्लाम में तो नहीं है ऐसा कि भाई अगर कोई मुर्तद हो जाए तो उसकी जान मार दो। ये तो उस जमाने में होता था, और उस जमाने में भी इस्लाम और किसी दूसरे धर्म की वजह से नहीं होता था, ये उस जमाने का रिवाज था, एक तरह से फैशन बन गया था। क्योंकि जब नए नए लोग इस्लाम में आने लगे तो उस वक्त में लोगों के साथ जो तकलीफें हुई, आज भी जो हमारी मजहबी किताबों में जो सहाबाए कराम के वाकयात मिलते हैं उनको पढ़कर कलेजा मुंह को आ जाता है। आज भी कलेजा चबा लिया गया और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया, ये सब कुछ है, आज भी किताबों में मौजूद है। उसके बाद में फिर इस्लाम ने भी एक सजा रखी कि भाई जो इस्लाम से फिरेगा उसकी सजा ये है, लेकिन ये उस जमाने के लिहाज से है। आज हिंदुस्तान में ये सजा, जो शरीयत की सजा है, वो कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे शराब पर सजा है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, जो जिना पर सजा है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर मुर्तद होने पर जो सजा होगी वो कैसे एप्लीकेबल हो जाएगी? अगर कोई करता है तो इस्लाम के खिलाफ करता है, इस्लाम संविधान के विरुद्ध करता है। आज इस चीज ऐसी चीज है ही नहीं कुछ भी। मगर बहरहाल लोग तो घबराते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है जो अपनी लोकेशन भी नहीं बताते, अपना चेहरा भी छुपाते हैं और डरी सहमी सी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन मौलाना साहब, वैसे तो कहा जाता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, इस्लाम भी यही कहता है कि जी तमाम इंसान जो है एक ही जैसे हैं, लेकिन जब ये फिरके हम देखते हैं
कोई बरेलवी है, कोई शिया है, कोई कुछ है, तो इसमें असल इस्लाम कौन सा है, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। एक साहबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, फिर हक पर कौन होगा, सही कौन होगा? तो आपने फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर जिंदगी गुजार के चला जाएगा वो हक पर होगा। अब मैं ये दावा नहीं करता कि जो देवबंदी है वही जन्नती है या जो शिया है वही जन्नती है, ये तो अल्लाह तय करेगा कि कौन आदमी जन्नती है और कौन आदमी जन्नती नहीं है, ये तो अल्लाह तय करेगा। किसी इंसान के बस में ये चीज है ही नहीं, क्योंकि देखिए, आदमी के दो 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 चीजें होती हैं, एक जाहिर अमल होता है, एक अंदर जो उसका दिल है, उसका जो मन है, एक वो भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है जाहिरी तौर पर इबादत नहीं कर पाता, नमाजें नहीं पढ़ता पाता, रोजा नहीं रख पाता और इस्लाम के काम नहीं कर पाता, लेकिन अंदर से वो अल्लाह को मानता है, अल्लाह अंदर से वो कुरान को मानता है, इस्लाम को मानता, सब चीजों को फॉलो करता है, अपने दिल के एतबार से उसको मानता है कि हाँ ये है। तो फिर हम उस पर कैसे फैसला कर सकेंगे? हम तो जो जाहिर हमें दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि हाँ साहब, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो उसको हम बेनमाजी कहते हैं, एक आदमी रोजा नहीं रखता तो उसको रोजा खोर कहते हैं कि आदमी रोजा खोर है, रोजा नहीं रखता। लेकिन रोजा रखने के पीछे उसकी मजबूरी क्या है ये तो अल्लाह जानता है, हमें तो नहीं पता उसकी मजबूरी का। और हमें इस टोह में लगना भी नहीं चाहिए कि आपने रोजा क्यों नहीं रखा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ये टोह करना मेरा काम नहीं है। इस्लाम लेकिन ने हमने किसी को तो, इजाजत नहीं दी। जी लेकिन मौलाना साहब, हमने तो इस किस्म के लोग भी देखे हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, अपना बड़ा जताते हैं कि जी अभी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, और उसके बाद सुबह से रात तक ना सिर्फ झूठ बोलते हैं बल्कि मुनाफिकीन में से हैं, और उसके बाद लोगों की बातें इधर की उधर करते हैं, बढ़ा चढ़ा के लोगों के झगड़े करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नमाजें ऐसे पढ़ते हैं और रोजों के ऐसे जिक्र करते हैं कि लगता है इनसे नेक तो दुनिया में कोई आया ही नहीं। उसके बाद आयतें बताना शुरू कर देते हैं, जी कुरान की फलानी आयत में ये लिखा है, फलानी में ये लिखा है, लेकिन लोगों के अमल से तो कुछ जाहिर नहीं होता। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों की तो नमाजें रोजे जो है वो रोजे हशर पे इनको वापस कर दी जाएंगी, मुंह पे मारी जाएंगी कि रखो भैया सारा दिन तो तुम लोग ये कर रहे होते थे, तो फायदा क्या ऐसी नमाजों का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो नमाज जिस जो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ी जाए, या वो रोजा जो सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए, हदीस में आता है कि वो नमाज जो दिखावे के लिए पढ़ी जाए वो कबूलियत के लिए उसके सर से ऊपर नहीं जाएगी। और फरमाया रोजे के लिए कि जो आदमी रोजा दिखावे के लिए रखता है तो अल्लाह ताला उससे ये कह देता है कि इस रोजे का बदला उस आदमी से ले जिसके लिए तूने ये रोजा रखा है दिखाने के लिए। तो ये सच है, इस्लाम का कोई भी रुकन, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, जकात हो, जितने भी अरकान हैं इस्लाम के तमाम सिर्फ इंसान और अल्लाह के साथ इनका राबता होना चाहिए। हम खालिस अल्लाह के लिए करें इस काम को, हम कोई भी अमल लोगों के दिखावे के लिए। अब जकात इंसान देता है तो जकात दिखावे के लिए नहीं है। हदीस में आता है कि जकात इस तरीके पर दो, सदका खैरात इस तरीके पर करो कि एक हाथ दे दूसरे हाथ को पता ना चले। यहाँ तो लोग, आज का तो फैशन बिल्कुल ही अलग हो गया। पहले तो चलो अपनी जबान से कहते थे, अब तो बाकायदा वीडियो बनाते हैं, मैंने फला की बेटी में इतना सामान दे दिया, मैंने फला की ये मदद कर दी, मैंने फला का ये कर दिया, उसको बाकायदा सोशल मीडिया पे डाला जाता है। अब तो उसका तस्वुर ही चेंज हो गया। पहले तो सिर्फ ये था कि जबान से आदमी कहता है, भाई देखो मैंने, अल्लाह का शुक्र है मैंने फला बच्ची की शादी करा दी, फला को ये दे दिया। अब तो बाकायदा उसकी तशहीर मीडिया पर की जाती है और बाकायदा लोग वीडियो बनाते हैं। अगर किसी को 5 किलो आटा दे रहे हैं तो उसके साथ फोटो खिंचाया जा रहा है, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए और उस आदमी को नीचा दिखाने के लिए कि बेचारा गरीब फकीर है, उसको बाकायदा तमाम लोगों में बदनाम और रुसवा किया जाता है। तो इस्लाम तो नहीं कहता इस चीज को। इस्लाम तो ये कहता है, एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने रात को सदका दिया और सुबह मुझे पता चला कि वो सदका चोर के हाथ में चला गया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई वो तेरा सदका नहीं हो, दोबारा अदा करो। फिर उसने रात में अदा किया, और रात में उसने इसलिए अदा किया ताकि किसी को पता ना चले, खालिस अल्लाह के लिए। रात में फिर सदका किया तो पता चला कि वो एक जानी के हाथ में चला गया। फिर अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, सुबह को पता चला कि वो तो आदमी जानी था। तो आपने फरमाया कि फिर दोबारा उसको अदा करो। तो सवाल ये है कि इस्लाम जो है, इस्लाम के किसी भी रुकन को देखिए, कुर्बानी इतनी बड़ी चीज है
हम कुर्बानी के जानवर को पूरे महल्ले में घुमाते फिरते हैं, उसको बाकायदा हार पहनाते हैं, नोटों के हार पहनाने लगे लोग। पहले तो वैसे ही फूल मालाएं होती थी, अब नोटों के हार पहनाने लगे और उसको बाकायदा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। अगर 10,000 का बकरा खरीदा है तो उसको 20,000 का बताएगा आदमी, 20 का खरीदा है तो उसको 30 का बताएगा, 50 का बताएगा कि साहब मैं इतने का लेकर, ताकि दूसरों पर मुझे फोकियत हो जाए और मुझे पता चल जाए, मेरी मेरी चर्चा हो जाए। इस्लाम इसी को लेकिन मौलाना साहब ये आपने क्योंकि ईद की बात की है, ईद आने वाली है, तो उसमें तो ये कहा गया था जो जहां तक मैंने सुना है कि खुदा ने कहा था कि अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो, जो तुम्हें सबसे प्यारी हो, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि अपने बेटे की कुर्बानी के लिए लेकर गए, लेकिन फिर उसके उनको हटा दिया, उनको मतलब रोक दिया गया। लेकिन यहाँ तो ये होता है कि किसी बकरे से या किसी बैल से या किसी ऊंट से क्या दो दिन में मोहब्बत हो जाती है कि लोग ले आते हैं और उसके बाद इतने ज्यादा जानवर जो है उनको काट दिया जाता है और खा जाते हैं, फ्रीजर में रख लेते हैं, मोहल्ले में बांट देते हैं। मतलब ये खून खराबे वाला फेस्टिवल जो है इस्लाम का, इसको क्यों लोग रोकते नहीं है? वो पैसा किसी की भलाई में लग सकता है, वही पैसा किसी की मदद की जा सकती है, बजाय लाखों की तादाद में जानवरों को काट दिया जाता है और दिखावे के लिए, आप खुद भी कह रहे, दिखावे के लिए काट दिया जाता है बेचारों को। और यहाँ पाकिस्तान में तो रोड पे वो खून ही खून दिखाई दे रहा होता है, मैं तो 3 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती, मुझे तो देख के चक्कर आते हैं, मैं तो करती भी नहीं कुर्बानी। जो पैसा होता है वो मैं किसी की दे देती हूँ, किसी की मदद कर देती हूँ, लेकिन इस तरह से इतने जानवरों को काट देना, मतलब ये कौन सी इंसानियत है, कौन सा फेस्टिवल है ये इस्लाम का, ये रुकते क्यों नहीं इस चीज को? देखिए दो चीजें आपने एक सवाल में दो चीजें मिक्स कर दी, एक तो ये मिक्स कर दिया कि साहब दिखावे के लिए, दूसरे ये कि इस्लाम में ऐसा कौन सा ये फेस्टिवल है, ये दो चीजें बिल्कुल अलग है। ईद उज़ुहा, ईद कुर्बान, बाकायदा कुर्बानी जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में इस्लाम का एक रुकन है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फालतू में आदमी कर रहा है, उसको इस्लाम का रुकन है। और अल्लाह ने जो कहा है लंतरानुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, कि जब तक तुम अपनी बेहतरीन और उस चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं करोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह के यहाँ कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आज के वक्त में चूंकि माल और दौलत से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है आदमी, तो उस माल और दौलत को खर्च करके वो कुर्बानी का जानवर लिया जाता है और फिर उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाता है। अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का मतलब ये है, कुरान ये कहता है लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह को ना तुम्हारा गोश्त चाहिए ना तुम्हारा खून चाहिए, अल्लाह तो तुम्हारा तकवा देखता है, तुमने ये मेरे लिए किया है या दिखावे के लिए किया है? अगर दिखावे के लिए किया है तो अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर सवाब नहीं है। अगर सिर्फ अल्लाह के लिए किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए किया है, तो अल्लाह के यहाँ उस पर इनामात है। ये बाकायदा कुरान से, हदीस से, अल्लाह के नबी के अमल से, सब जगह से साबित है। कुर्बानी कुर्बानी ऐसी चीज नहीं कि इस्लाम में एक फालतू का फेस्टिवल है, जैसा आपने कह दिया। मैं समझता हूँ कि उसको जो है रिवाइज कर लीजिए, आप भी आप देखिए, कुरान को पढ़िए, कुरान में आपको बाकायदा कुर्बानी के बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी और मौलाना रशीदी के बीच में हुई डिबेट और बहस आपको काफी पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहाँ पे आपने देखा हमेशा की तरह आरजू काजमी के सवालों में फंसते और घिरते नजर आए मौलाना रशीदी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।